नई मंडी इटावा निवासी 19 वर्षीय एक युवक का फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दतावली नहर में डूबने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक युवक के भाई ने नहर में डूबोकर हत्या किए जाने की आशंका भी जताई है। वहीं इसी संबंध में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्थिति साफ हो सकेगी। सूचना पर पहुंची थाना फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा पुलिस ने नई मंडी निवासी गजराज के 19 वर्षीय पुत्र सनी का शव नहर से बरामद कर लिया है। बताया जाता है कि पुलिस को नहर के किनारे से बियर की केन, शराब की बोतल मिली है। पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फ्रेंड्स कॉलोनी के थाना प्रभारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो घर से ले गए रवि, वो बखर गांव है, वहाँ से जी यहाँ से सवेरे लेके गए और इन्होंने मतलब रास्ते में दारू वारू पिला के वहाँ पे पड़ी भी मिली हैं बोतलें वगैरह और नहर में डुबा के उसने मारा।